नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर इस वीडियो में जानेंगे ताजा लेटेस्ट बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे हर एक मुख्य समाचार को। इसलिए साथ में आप बने रहिए। और वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन जीत सकता है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। चुनाव घोषणा के बाद आचार संहिता उल्लंघन की पहली कार्रवाई केंद्रीय मंत्री पर। चुनाव आयोग ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यह निर्देश उनके एक दिन पहले के बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के लोग कर्नाटक में आकर बम धमाके करते हैं और बेंगलुरु के कैफे में हाल ही में हुए विस्फोट के लिए तमिलनाडु के लोग जिम्मेदार हैं। देख सकते हैं यहाँ पे चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार इनके ऊपर तत्काल उचित कार्रवाई की जाए, और चुनाव आयोग ने 48 घंटे के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। दिग्गज नेताओं का कांग्रेस से जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई अपनी पार्टी का कर रहा है विलय, तो हो रहा है इंडिया गठबंधन मजबूत। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके बताते चले किन बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। 5 बार के सांसद बिहार से पप्पू यादव, इन्होंने अपनी पार्टी का भी विलय कांग्रेस में किया और खुद भी कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरी तरफ झारखंड से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और यूपी से सांसद दानिश अली जो बीएसपी से सांसद थे, अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जी हाँ दोस्तों, लगातार कांग्रेस की ताकत बढ़ती जा रही है, और खबर है कि आगे ही आने वाले समय में कई दिग्गज और जुड़ेंगे कांग्रेस से। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है ईडी को कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट बोला लोगों को जेल में रखने के लिए आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकते। लगातार दोस्तों जेल में रखने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बिना ट्रायल के ही लोगों को लगातार जेल में रखा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से इस मामले पे कड़े सवाल किए। किसी आरोपी को जमानत देने से इनकार करने और ऐसे व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए आरोप पत्र दाखिल करने पे अदालत ने नाराजगी जताई। अदालत ने यह टिप्पणी झारखंड के अवैध खनन मामले से जुड़े एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। देख सकते हैं ईडी लगातार दोस्तों जांच का बहाना बनाती रहती है, और यहाँ पे जो आरोपी होते हैं जिन्हें जेल में बंद किया जाता है, उनकी यहाँ पे जमानत नहीं होने देती है, आरोप पत्र दाखिल करती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधे सीधे कह दिया किसी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं। ईडी इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मामले में ट्रायल शुरू ना हो पाए और आरोपी को जमानत ना मिल सके। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40% संपत्ति। 2014 से 23 के बीच आय में असमानता तेजी से बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चाहे देश के सबसे अमीर 1% लोगों की कमाई और संपत्ति उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इन लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। यह अब तक का रिकॉर्ड है। यह दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका से भी अधिक है। आर्थिक आंकड़ों की गुणवत्ता काफी खराब है। और आपको बताते चलें, भारत में सबसे अमीर 1% आबादी का आमदनी में हिस्सा ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। बताते चलें, रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 23 के बीच इनकी आय में असमानता सबसे ज्यादा देखी गई। सबसे ज्यादा तेजी से इन लोगों की आय बढ़ी। इसके पीछे टैक्स से जुड़ी नीतियां जिम्मेदार हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब की ओर से, जिसमें ये सारे तथ्य शामिल किए गए। चुनाव पूर्व सर्वे, कर्नाटक में कांग्रेस जीत सकती है 17 लोकसभा सीटें। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव को लेके एक चुनावी सर्वे से बीजेपी को झटका लग सकता है। आपको बताते चलें, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार कांग्रेस यहां पे लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से 28 में से 17 सीटों पर जीत सकती है, और वहीं राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 11 सीटें ही मिल पाएंगी। सर्वे में कई सवाल पूछे गए और लोगों से उनकी राय भी जानी गई। इन सवालों में केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर महंगाई और नौकरी जैसे सवाल भी शामिल थे।
बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है पीलीभीत से। जी हाँ दोस्तों, वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है, ये पूरी खबर है दोस्तों। बता दें वरुण गांधी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र खरीदा है। पहले चरण में दोस्तों पीलीभीत भी लोकसभा सीट है जहां पर चुनाव होना है और यहां पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, मतदान होगा उससे पहले। दोस्तों इस मामले में एक नया मोड़ आया है, बीजेपी ने अभी तक टिकट नहीं दिया है सांसद राहुल गांधी को और उनकी मां मेनका गांधी का भी टिकट काटने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक अगर बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं देती तो वरुण गांधी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें बीजेपी पार्टी की कोर कमेटी के हाल ही में यूपी और बिहार को लेकर बैठक हुई थी। मेरठ, पीलीभीत और सुल्तानपुर समेत 28 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। भाजपा सूत्रों ने बताया कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट से प्रेम कुमार शुक्ला को कैंडिडेट बनाया जा सकता है, वहीं बीजेपी पीलीभीत से संजय सिंह गंगवार को प्रत्याशी बना सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर अपडेट है, 5 न्याय और 25 गारंटी वाला होने वाला है कांग्रेस का घोषणा पत्र। घर घर गारंटी रहेगा पार्टी का मंत्र। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में जिस चुनावी घोषणा पत्र के साथ उतरने जा रही है वह बेहद ही खास है। उसमें 5 न्याय और 25 गारंटी शामिल होंगी, इसी पर घोषणा पत्र आधारित होगा। पार्टी का कहना है यह दस्तावेज उसके लिए न्याय पत्र जैसा है जिसे वह घर घर गारंटी के मंत्र के साथ देश के हर मतदाता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस मसौदे पर 3.5 घंटे की चर्चा के बाद पार्टी अध्यक्ष खड़गे को इसे मंजूर करने और जारी करने की तिथि निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। कांग्रेस घोषणा पत्र में जिन 5 और 25 गारंटी का प्रमुख रूप से उल्लेख होगा उनकी घोषणा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रही है CAA पर केंद्र से 3 हफ्ते में मांगा सुप्रीम कोर्ट ने जवाब। याचिकाओं में रोक लगाने की मांग की गई और CAA की अधिसूचना जारी करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू की गई CAA के नियमों की टाइमिंग पर सवाल उठाने, इसे कार्यान्वयन करने पर रोक लगाने की मांग वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा की पीठ अब इस मामले में 9 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान CJI ने केंद्र से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उसे कितना समय चाहिए। इस पर केंद्र की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें यहाँ पे 4 सप्ताह का समय चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा कि आपको 3 हफ्ते का समय दिया जाता है और यहाँ पे 3 हफ्ते बाद दोस्तों फिर सुनवाई होगी। ये आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।